Mais avant tout, faut bouger la tête. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर यानी भारतीय जंगल सेवा अधिकारी का सिलेक्शन कैसे होता है, कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए और सैलरी कितनी है, वर्क्स क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और कितने पेपर्स के एग्ज़ाम होते हैं, कितने मार्क्स के, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका बेस्ट सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ पाने के लिए। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर IAS IPS ऑफिसर जैसे एक टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है और इनका काम होता है देश के फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना, देश के जंगलों का संरक्षण करना। दोस्तों हर साल UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है जिसके थ्रू इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन होता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी को जानते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी ब्रांच हो अप्लाई कर सकते हैं, या आपको साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और मैं 9 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, उसमें से कम एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री, बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री प्राप्त किया है तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एज की। एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल और अटेम्प्ट आप 6 बार दे सकते हैं और ये जनरल कैटेगरी के लिए बताया है। और अगर आप OBC, SC, ST हैंडीकैप में से हैं तो आप एज में और अटेम्प्ट में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। दोस्तों जो प्री एग्ज़ाम होती है उसे क्लियर करने के बाद मेंस में एंट्री मिलती है और इसके फाइनल में मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, सिविल सर्विस एग्ज़ाम और फॉरेस्ट प्री एग्ज़ाम कॉमन होती है। प्री एग्ज़ाम 2 पेपर में होती है जो ऑब्जेक्टिव होती है। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है जिसमें आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, करेंट अफेयर्स, इन सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सेकेंड पेपर जो होता है एप्टीट्यूड रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग का। आगे मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं। 1400 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल 6 पेपर का होता है। पेपर इस प्रकार के हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, और 4 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। इसके अंडर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। टोटल 14 सब्जेक्ट है, उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करनी है। इन सब्जेक्ट के नाम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन पेपर के हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है। इस प्रकार आपका 1400 मार्क्स के मेंस का पेपर होता है। अब बारी है इंटरव्यू के। ये 300 मार्क्स के होते हैं और मेंस इंटरव्यू में मार्क्स ऐड करने के बाद ही सिलेक्शन होती है। और इसकी ट्रेनिंग देहरादून में इंदिरा गांधी फॉरेस्ट्री एकेडमी है उसमें होती है। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन में पोस्टिंग होती है। दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी की। इनकी सैलरी मिनिमम 15,000 टू 80,000 तक होती है और ये पोस्ट के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों यह बात हो गई IFSO ऑफिसर बनने की, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बनने की। अब बात कर लेते हैं हम सैलरी की। तो इसमें सैलरी मिनिमम 15,000 टू 80,000 तक प्रोवाइड करती है।
जो कि रैंक के बेसिस पे होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो वीडियो पे कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आने पे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। पर साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियोज़ का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।